कैसा लग रहा है आपको? ठंड गाइस, ये मेरा सारा खाना खत्म कर देने। और ये मेरी शेफ है और ये मेरी काम वाली है। ये सारा भरा हुआ था, खाली कर दिया। उसने आके बोला कि हम यहाँ टेंट नहीं लगा सकते। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हैं श्रीनगर में और ये भाई है हमारे, आपका नाम क्या है? अब्दुल लतीफ। इनके पास हमने स्टे किया था कल और काफ़ी अच्छा लगा, इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी लगी हमने। और अभी हम कैंपिंग करने जा रहे हैं गुरेज वैली। यहाँ से कितने किलोमीटर है? 150 किलोमीटर यहाँ से। 150 किलोमीटर, 4-5 घंटे लग जाएंगे। चार घंटे लग जाएंगे तकरीबन। तो प्लान ये है कि गुरेज वैली में 2-3 दिन कैंपिंग का है सिस्टम, टेंट वगैरह सारा हमने उठा लिया है। अभी तो ईद का टाइम है, 3 दिन की यहाँ पे छुट्टी थी तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि शॉप्स वगैरह बंद थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक कर दो वीडियो को। तो गाइस अभी बंदीपुरा जा रहे हैं, बंदीपुरा बीच में पड़ता है। अगर हम गुरेज वैली की तरफ जाते हैं, हम श्रीनगर से निकल चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक तो हो रहा है क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये अमरनाथ यात्रा वाला रोड है। ये सारी बसेस लाइन में लगी हुई हैं, धीरे धीरे ट्रैफिक चल रहा है 30-40 की स्पीड से, इसलिए ज़्यादा तेज में चला नहीं पा रहा। बंदीपुरा क्रॉस कर चुके हैं, अच्छे अच्छे रूट्स अभी पीछे रह गए हैं। जो राजदन पास है उस माउंटेन पे हम चढ़ चुके हैं। राजदन पास क्रॉस करके ही गुरेज वैली एंटर होती है। नेटवर्क्स अभी तक तो थोड़े थोड़े आ रहे हैं, आगे जाके पता नहीं गुरेज वैली में नेटवर्क आएंगे कि नहीं आएंगे। मैप तो वैसे ऑलरेडी सेट हुआ है तो होप सो मैप बंद ना हो हमारा, बिना मैप के हम जा नहीं सकते। गाइज हम राजधन पास के पास पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम गुरेज वैली के लिए निकलेंगे। अभी यहाँ से कैसा लग रहा है आपको, रास्ते कैसे लगे? बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा। इतनी हाइट तो गाइज बहुत नॉर्मल हाइट है, कोई ज्यादा हाइट नहीं। इतनी हाइट तो जिस्पा की थी और जिस्पा में तो हम बड़े आराम से रह रहे थे, पर क्योंकि कश्मीर के पहाड़ है ना, कश्मीर की वादियाँ। और बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा माहौल है। मैं टी शर्ट पहन के चला था नीचे से और जैकेट, अभी जैकेट काम आने वाली है क्योंकि अभी थोड़ी सा हाई एल्टीट्यूड पे है तो ठंड बढ़ गई है। आसपास पूरा मॉनसून का सीज़न है तो बिल्कुल हल्की बारिश ही हो रही है, और बारिश नहीं कन्विंसी हो रही है। और आसपास BRO के मतलब आर्मी के बेस कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, बड़ा सही इन्जॉय करते हुए आ रहे हैं। सिर्फ एक बंदे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी नहीं कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइज ये है वो शख्स जो हम मरीज साथ में लेके आए हैं। सोचा हम प्रॉब्लम साथ लेके चलेंगे, इतना आराम से थोड़ी हमें ट्रिप करना है, कुछ प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। हमने साथ ले ली। कैसा लग रहा है आपको शाम? ठंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस। ड्राइव करने में भी बहुत एडवेंचर था और बारलाचा पास किया था, वैसी मिलती जुलती ड्राइव थी। बारलाचा पास 16,000 कुछ हाइट पे था और ये है 11,000 कुछ हाइट पे। यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम कम आ रही है, बट फिर भी हम इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि पानी वगैरह अच्छी तरह से पिए और लिक्विड की कमी ना होने दें बॉडी में, ऑक्सीजन की कमी ना होने दें। ये आप रोड कंडीशन देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है। आगे हम बढ़ रहे हैं गुरेज वैली की तरफ, तो पहुँच के वहाँ पर कैंपिंग का सेटअप करने हैं हमें, जो किशन गंगा रिवर है उसके पास। कैमरा कॉन्शियस हो गया। तो यार आपने, आपकी इतनी बड़ी गाड़ी फिर क्या हो गया? फिर इतने पैसे नहीं दे सकते। अरे इमोशनल कर गया मैं। ये भी दे रहा हूँ, वो भी दे रहा हूँ ना, ना ये दे रहा हूँ। हाँ। गुरेज वैली एंटर हो चुके हैं, होने वाले मुझे नहीं पता, बट इस एरिया में आके ना ऐसा लग रहा है कि ना
लोग काफी सिंपल, काफी ज्यादा ना मतलब हैरान होते हैं हमें देख के, और काफी मतलब खुशी से हमें वेलकम कर रहे हैं, हमें नमस्ते भी बुला रहे हैं और स्माइल भी दे रहे हैं। ऐसा हमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि हम किसी गलत जगह पे आ गए हैं। काफी अच्छा मतलब जेन्युइन से लोग लग रहे हैं, उनको देख के ऐसा लग रहा काफी जेन्युइन लोग हैं। और इतने प्यारे बच्चे हैं ना, मैं आप कश्मीर के बच्चों को मिलोगे ना, कश्मीर के और लद्दाख के, आपको इनोसेंस क्या होती है वो पता चलेगी। ऐसे नहीं जो ये बच्चे, ये तो खतरनाक बच्चे थे अपने टाइम पे, पर हम भी बहुत खतरनाक बच्चे थे, बट बहुत स्वीट है। और क्या कर रहे हैं, इधर साइड में खेत है ना, तो वहाँ से स्ट्रॉबेरी, छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी है, उनको मेवा बोलते हैं, वो पट के लाते हैं। पट के लाते हैं, को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो तोड़ उखाड़ के लाते हैं और 50 रुपए में 40 रुपए में बेच रहे हैं। मैंने सोचा चलो एक बच्चे की दिहाड़ी बन जाएगी, मैंने एक वो गुच्छा सा ले लिया। छोटी छोटी सी है, मीठी है, बट मतलब कैंडी जैसी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मतलब मेरे को ना उनसे मिलके। और बाकी गुरेज वैली में यही चीज़ एक्सप्लोर करने वाली है, लोगों को मिलने का मज़ा है और वहाँ का कल्चर देखने का मज़ा है। आगे देखेंगे हम क्या हमें देखने को मिलता है। अरे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे भी, गुरेज वैली में भी क्रिकेट के शौकीन है लोग। फाइनली पहुंच चुके हैं गुरेज वैली में। ये दवर है, ये किशनगंगा रिवर है जो मेरे साइड में फ्लो कर रही है। अभी हम टेंट लगाएंगे इस साइड, आपको सारा व्यू दिखाऊंगा मैं। इतनी ज़्यादा सुंदर लोकेशन है ना, प्रॉपर जन्नत है ये कश्मीर का, एक्चुअल में जो ओरिजिनल कश्मीर है। आप श्रीनगर जाते हो, पहलगाम जाते हो, ऐसी जगह पे जाते हो, बट आप किस जगह पे आओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो गाइस क्या हुआ, हम लोग उधर टेंट लगा रहे थे, तो फिर वहाँ पे एक बंदा आया जो गवर्नमेंट का ही कोई बंदा था, उसने आके बोला कि हम यहाँ टेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे वही टेंट लगा सकते जिनके पास टॉयलेट की भी फैसिलिटी होनी चाहिए साथ में, जो हमारे पास नहीं थी। बाकी रिवर साइड भी उन्होंने मना किया हमें लगाने के लिए। अभी हम थोड़ा हाइट पे लगा रहे हैं, यहाँ पे पानी इतना ऊपर तक चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल ही है, जो हम अगर बाय चांस कुछ हो जाए, अगर बाय चांस पानी का लेवल बढ़ता भी है तो फिर भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे फेंसिंग हुई हुई है, पार्किंग में लगा दी गाड़ी। बाकी बात यह है कि इन भाइयों से बात की हमने उसके बारे में, चार्जेस के बारे में, कि हाँ टॉयलेट के क्या चार्जेस लेंगे। इन्होंने अब तक कुछ नहीं बताया, इन्होंने बोला कि आप मतलब फ्री में यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी अच्छी वैली है, और देखते हैं मतलब यहाँ पे कैंपिंग करने का क्या एक्सपीरियंस रहता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आई भी या कुछ दिक्कत आई भी तो हम और साइट्स भी हैं कैंपिंग की, वहाँ की साइट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। और बाकी यहाँ पे आर्मी का एक वो भी है, बंकर वगैरह बना हुआ है, हमें बाई चांस कुछ कोई चीज़ कन्फर्म करनी होगी उधर, उनसे कन्फर्म कर लेंगे हम। क्या कर रही है? Enjoy. तो भाई आपका नाम क्या है? तोसी पामत लोग। थोड़ा धीरे, मुझे समझ नहीं आया। तोसी पामत लोग। तोसी आमत लोग। आमत लोग। तो भाई जो ये है हमारे भाई, इन्होंने हमें यहाँ पे अलाउ किया है कैंपिंग करना, टेंट यहाँ पे पिच किया हमने। तो गाइस हमारा टेंट बिल्कुल हमने लगा लिया सारा हर जगह से, जो कि मैंने नहीं लगाया बिल्कुल भी, और बस अब हम मैट्रेस लगाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा बहुत खाने पीने का बनाएंगे। गाइस काम वाली चेंज, के अंदर घुस चुके हैं अंदर, मतलब गरम गरम वार्म वार्म फील हो रहा है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही है। इस टाइम 6 बज रहे हैं, टेंट सारा सेट कर चुके हैं। बाकी ये जगह तो खूबसूरत तो बहुत है, और उनसे मुझे ये भी जानने को मिला कि सिर्फ 1 साल ही हुआ है गुरेज को एज ए टूरिस्ट प्लेस खुले है, तो सारी गवर्नमेंट की जगह, बट उन्होंने अलाउ किया हुआ है टेंट वगैरह लगाना। गाइस ये मेरा सारा खाना खत्म कर देने, ये सारा भरा हुआ था खाली कर दिया। गाइस हम भूखे हैं, ये इनको पहले सोचना चाहिए किसको साथ ला रहे हैं।
तो यार अभी वो भाई के घर पे चाय पी के आए हैं और थोड़ी भूख तो लग रही थी, तो टेंट वेंट सब सेट है, गद्दा वद्दा बिछा दिया है सारा, और ये बना रहे हैं अभी तड़के वाली मैगी, और ये हमारा स्टोव है, ये टेबल है, और वो हब्बा खातून पहाड़ है जिसके नाम से जगह मशहूर है। और उसके पीछे की स्टोरी क्या है ये भी बताओ। उसके पीछे की स्टोरी जो है ना, आप गूगल, आपको पता है गूगल, उसके ऊपर आपने ये टाइप करना है कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड हब्बा खातून, बस आपको स्टोरी पता लग जाएगी। क्योंकि हमें भी नहीं पता। मतलब हल्ली था इनू बिठाना सी। गाइस हमारा प्लान था कि ये और मैं कुर्सी पे बैठूंगी और ये नीचे बैठेगी और मुझे नीचे बिठाया गया है। पता नहीं इन्होंने कब स्कीम डाल ली थी। दे दे ब्रेड। तो गाइस अभी बन रही है मैगी और तड़के वाली मैगी बना रहे हैं और ये शेफ अपना काम कर रही है। हमारे पास तड़के का कोई सामान नहीं है, फिर भी हम तड़के वाली मैगी। और ये मेरी शेफ है और ये मेरी काम वाली है। मैं अपने काम वाली नहीं हूँ, एक्चुअली मैं असिस्टेंट हूँ इसकी। हाँ, और ये काम मतलब काम वाली, ये दो काम साथ में संभाल रही है। झाड़ू पोछो के इंतजाम, और ये मेरे को सैलरी भी नहीं दे रहे। झाड़ू पोछो का इंतजाम तो गाइस हमने मतलब इधर से कर रखा है, और खाने बनाने के इधर से, तो खाने बनाने और भांडे मांजने का, भांडे मांजने का। Bread and spread. ये ना अभी वीडियो बन नहीं, जब ऑन हुई थी तब ये बोली थी ब्रेड और स्प्रेड पकड़ा दे, फिर इन्हें ब्रेड एंड स्प्रेड पकड़ा दे। हल्की सी हल्का सा, वरना आपकी सैलरी काट ली जाएगी। सैलरी तुम ऐसे कौन सा दे रहे हो, तुमने तो ये कह के लेके आए, घुमा भी तो रहे हैं साथ में। क्या हो गया गाइस, हमारा सिलेंडर मुक गया। सिलेंडर मुक गया? हाँ। इसमें से निकालो सिलेंडर और उसको शेक करके चेक करो कि उसमें गैस है कि नहीं। पूरा ठंडा। तो ये मैगी बन चुकी है हमारी, बहुत ही स्वाद लग रही है देखने में, खुशबू भी अच्छी आ रही है, और साथ में हम ये नटखट खाएंगे। ये बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी, बचपन में खाते होते थे। तू भी खाती थी एक लिटिल हार्ट सॉल्ट ये नटखट में। तेरा और... बचपन थोड़ा बाद में स्टार्ट हमारे। चार साल बाद। हाँ, चार साल बाद स्टार्ट। तो गाइस फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। जिसको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और आज बहुत मज़ा आया हमें ग्रेज वैली पहुँचने में। हम कल वैसे अपनी कैंपिंग की लोकेशन शायद चेंज कर दें, आज हम यहीं पे अपना रेस्ट करेंगे। कैंप में सारा सेटअप लगा हुआ है,